प्रेज लॉर्ड। क्या आप तब भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है? कई बार हमारे जीवनों में ऐसा होता है जहां हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। आखिर क्यों उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है? दोस्तों, यीशु मसीह जब मनुष्य शरीर में थे तो वो हर एक बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे और उनकी हर एक प्रार्थना का उन्हें उत्तर मिलता था। परंतु एक दिन जब वो गतसमनी के बाग में थे और वो उदास थे, व्याकुल थे, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे पिता, तू सब कुछ कर सकता है, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर। फिर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और यीशु मसीह ने ये प्रार्थना 3 बार की, परंतु उनकी प्रार्थना का उन्हें उत्तर नहीं मिला। आखिर क्यों उनको उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला? यदि दोस्तों उस दिन उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता, यदि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर दे देता, तो जो मनुष्यों के उद्धार की जो योजना थी वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। प्रभु यीशु मसीह के लिए जो परमेश्वर की योजना थी वो कभी पूरी नहीं हो पाती। तो अपनी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। दोस्तों, हम परमेश्वर के विचारों को नहीं समझ सकते, उसकी योजना को नहीं समझ सकते। हम केवल उस पर हर एक परिस्थिति में विश्वास कर सकते हैं कि वो जो कुछ हमारे जीवन में कर रहे हैं वो भला है, वो हमारे लिए अच्छा है। दोस्तों, हो सकता है कि आज आपके जीवन में ऐसा हो रहा हो कि जब आपने किसी बात के लिए बहुत प्रार्थनाएं की परंतु आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। दोस्तों, हो सकता है इसलिए क्योंकि जो कुछ आप मांग रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। या फिर परमेश्वर की आपके जीवन के लिए कुछ और योजना है, कोई दूसरी योजना परमेश्वर के पास आपके लिए है, इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। दोस्तों, या फिर हो सकता है कि वो समय अभी नहीं आया है जब परमेश्वर आपको वो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो शायद इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। दोस्तों, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं है, वो तुम्हारे भले की ही है। जो कुछ मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं वो सब कुछ भलाई उत्पन्न करेगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दोस्तों, विश्वास करने का मतलब ही यही है कि हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो जो कुछ कर रहा है हमारे लिए वो अच्छा है, हमारे जीवन के लिए वो अच्छा है। दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आप उसके बेटे और बेटी हैं, वो आपके साथ में गलत नहीं होने देंगे, वो वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। इसलिए विश्वास रखें, प्रार्थना करते रहें। यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया कि हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। दोस्तों, हम भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु मेरी इच्छा पूरी ना हो परंतु जो कुछ तू चाहता है मेरे जीवन के लिए वो मेरे जीवन में आप पूरा करें। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे, वो जो भी करेंगे वो आपके लाइफ के लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। सो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप विश्वास बनाए रहें और प्रार्थना करते रहें, यीशु मसीह पर भरोसा रखें, वो आपके लिए जो कर रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए अच्छा है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।